नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, हिंदी अधिकारी दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, केंद्रीय विद्यालय इफ़को गांधीधाम के बच्चों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं केंद्रीय विद्यालय इफ़को गांधीधाम के प्राचार्य महोदय का और विशेष रूप से वहां के पुस्तकालय अध्यक्ष श्री शिवानंद मिश्रा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अवसर दिया कि मैं आप सबके समक्ष आकर आपसे कुछ बातें कर सकूं। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के उपलक्ष में मैं सबसे पहले आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषाओं में से एक राष्ट्रभाषा है और इस देश की संघ सरकार की राजभाषा भी है। अब तक के मेरे वक्तव्य में जो भी आपको दो तीन कुछ नए शब्द सुनाई पड़े होंगे, उनसे आपको जिज्ञासा हुई होगी कि ये क्या हैं। जैसे कि मैंने शब्द यूज किया हिंदी दिवस, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संघ सरकार की राजभाषा, इनमें आपने महसूस किया होगा कि ये ऐसा अलग अलग इस तरीके की बातें क्यों हो रही हैं। तो इन पर मैं आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा और राजभाषा में, तो उनमें क्या अंतर होता है, ये आपको समझना ज़रूरी है। राष्ट्रभाषा किसी भी देश या राष्ट्र की पहचान होती है और उस देश में या राष्ट्र में जो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में जो लोग वहाँ के वो उसको बोलते हैं, उसको समझते हैं और उसको लिखित रूप में प्रयोग करते हैं, वो उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। जहाँ तक राजभाषा का प्रश्न है, तो उस देश की जो शासन व्यवस्था है, सरकार है और सरकारी कार्यालय हैं, उनके कामकाज की जो भाषा है वो उस देश की राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाती है। हमारे देश भारत में भी राष्ट्रभाषा और राजभाषाएं दोनों हैं। ज़्यादातर देशों में राजभाषा और राष्ट्रभाषा एक ही होती हैं, जैसे कि जापान की राजभाषा भी जापानीज़ है और राष्ट्रभाषा भी जापानीज़ है, रूस की राष्ट्रभाषा भी रसियन है और राजभाषा भी रसियन है, जर्मनी की राष्ट्रभाषा भी जर्मन है और राजभाषा भी जर्मन है। पर हमारे देश भारत में ऐसा नहीं है। हमारा देश की स्थिति अपने विविधता के कारण अलग है, क्योंकि हमारा देश एक विभिन्न राज्यों का, प्रांतों का एक संघ है। मतलब यहाँ पर लगभग 30 से 35 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं और उन प्रदेशों, केंद्र शासित राज्यों का एक संघ भारत संघ है। और इस सभी 30 से 35 जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं और वो सभी इस देश की राष्ट्रभाषाएं हैं। संघ की जो 8वीं अनुसूची है, जिसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उसमें इस देश की 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। इस प्रकार ये 22 भाषाएं वो सभी इस देश की राष्ट्रभाषाएं हैं, चाहे वो हिंदी हो या गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी, पंजाब की पंजाबी, बंगाल की बंगाली, तमिलनाडु की तमिल, केरल की मलयालम, इस प्रकार जो भी अन्य प्रांतों की सभी भाषाएं हैं वो इस देश की राष्ट्रभाषाएं हैं। और उसी प्रकार उन सभी प्रांतों की अपनी अपनी जो सरकारें हैं, वो प्रांतीय सरकारें जिस भाषा में कामकाज करती हैं वो उन प्रांतों की या राज्यों की राजभाषाएं कहलाती हैं। और उन प्रांतों की राजभाषा और राज्य भाषा यानी कि स्टेट लैंग्वेज, वो दोनों सेम हैं। जैसे कि गुजरात में गुजराती यहाँ की राजभाषा है और गुजराती यहाँ की राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। महाराष्ट्र में मराठी वहाँ की राजभाषा या प्रांतीय भाषा भी है और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राज्य की राजभाषा भी है। तो अब आपको अंतर समझ में आया होगा कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा या राजभाषा क्या होती है। अब हम जब भारत देश में व्यापक स्तर पर जाते हैं और भारत देश की बात करते हैं, तो हम ये महसूस करते हैं कि भारत एक राज्यों का संघ है। आपको पता होगा कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ
हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने एक लंबे संघर्ष के बाद इस देश को आज़ाद कराया। आज़ादी से पहले आपको पता है इस देश की राजभाषा क्या थी? राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। स्वाभाविक सी बात है, हम सब अंग्रेज़ों के गुलाम थे। अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया, 200 वर्ष तक लगभग शासन किया, तो उन्होंने अपनी भाषा यानी कि अंग्रेजी को इस देश की राजभाषा के रूप में थोप दिया और हम आज़ादी से पहले अंग्रेजी ही हमारे देश की राजभाषा थी क्योंकि हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो स्वाभाविक सी बात है, अंग्रेजी हमारी गुलामी का प्रतीक है। अब बात करते हैं कि हिंदी इस स्वतंत्र भारत देश की राजभाषा कैसे बनी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र देश के लिए एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण की ज़रूरत महसूस की गई ताकि हमारे देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता प्रदर्शित हो सके। उसके लिए संविधान निर्माण की एक सभा संविधान सभा के रूप में गठित की गई जिसका काम हमारे देश के संविधान का निर्माण करना था। संविधान सभा की कार्यसूची में एक प्रमुख स्थान राजभाषा के रूप में किसी भाषा का चयन भी था। 12 सितंबर 1949 से लेकर 14 सितंबर 1949 तक स्वतंत्र भारत देश की राजभाषा के चयन के संबंध में विचार विमर्श समिति द्वारा किया गया और 14 सितंबर 1949 को एक तमिल भाषी विधिवेत्ता और उस समय के राजनेता श्री गोपाल स्वामी अयंगर जी ने हिंदी को इस देश की राजभाषा के रूप में चयन करने का प्रस्ताव दिया और संविधान सभा ने इसे सर्वसम्मति से पारित करके हिंदी को इस देश की संघ सरकार की यानी कि केंद्र सरकार की भारत सरकार की राजभाषा के रूप में चयन कर लिया और इसी के साथ 14 सितंबर 1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपना लिया गया। इसी वजह से हर वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन करते हैं और हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार आपको अब समझ आ गया होगा कि राष्ट्रभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है और संघ सरकार की राजभाषा हिंदी को क्यों अपनाया गया और हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। मुझे आशा है कि मेरी इन बातों से आप सबको काफ़ी कुछ जानकारी जो मूलभूत जानकारी है प्राप्त हुई होगी और भविष्य में ये जानकारी भविष्य में आपके काफ़ी काम आएगी इसी विश्वास के साथ। और एक बार फिर कभी आपसे चर्चा के लिए मुलाकात का अवसर प्राप्त करने की अपेक्षा में मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय विद्यालय इफ्को गांधीधाम के बच्चों का अभिनंदन करते हुए वहां के प्रबंधन का अभिनंदन करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।